भले शायद एडमिनों ने बोला था स्ट्रीम पे कि व्यूज ऑन ओएस और टीम परफॉर्मेंस क्यों नहीं कर रही। टीम परफॉर्मेंस आ जाएगी यार सबका, हमारे ऑफिशियल के पहले हमेशा एक डाउन फेज आता है। अच्छा है, जितना डाउनफॉल आना है ऑफिशियल के पहले आना चाहिए, ऑफिशियल में डाउनफॉल नहीं चाहिए। बूट कैंप क्यों नहीं, बुकिंग बूट कैंप क्यों नहीं यार, है कुछ रीजंस, कंफर्टेबलनेस का रीजन है और कुछ नहीं। भाई B4M के टाइप पर आपका आइडियल कौन था? B4M के टाइम पे मैं ही था और कौन होगा। लाइक B4M के पहले से मैंने स्टार्ट कर दी थी आइडलिंग, तो B4M का टाइम पे जब मैंने ज्वाइन किया था तो गॉड्स में जो देव भाई थे B4M उनका था, तो उनने मुझे ही बोला था कि तू आ जा, तू टीम बना, तू आइजल कर, तो मैं ही आइजल था। भले शायद एडमिनों ने बोला था स्ट्रीम पे कि मान्या से पूछना कि उसका आइजल कौन था, तो आई गेस मेरा सैनोक बहुत वीक था, तो एडमिनो एडमिनो को मैं बोलता, एडमिनो का लाइक सैनोक थोड़ा अच्छा था, मुझसे अच्छा था, उतना भी नहीं था तो, बट मुझसे अच्छा था क्योंकि मेरा नॉलेज नहीं था। बट रॉनी परफॉर्मेंस 2 दिन देता है, 5 दिन नहीं। अरे यार ऐसा नहीं है, रॉनी कैसा प्लेयर है पता है, बाकी जितने हैं ना जैसे नकुल हो, जोकर हो, पावर हो, उनको मैं बोल दूंगा ना कि भाई तू ये एंगल देख, तो बीच में ऐसा हो सकता है कि नहीं देखे, बट रॉनी ऐसा बंदा ना कि अगर मैं उसको बोल दूंगा तो रॉनी एक ऐसा ट्रस्टेड बंदा है ना टीम का कि मैं उसको बोल दूँ कि एंगल देख, तो वो देखता रहेगा, उसको राइट लेफ्ट किल दिखेगा ना तो उसके किल वो लेगा नहीं, वो एंगल देखता रहेगा कि वो एंगल से कुछ हो ना जाए, तो इसीलिए उसके किल्स बहुत टाइम्स कम होते हैं बट उसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा है टीम में। वो रहता है तो टीम स्टेबल रहती है। क्या बेसिस पे प्लेइंग फील्ड डिसाइड करते हो? डिसाइड करने का क्या, अपना प्लेइंग फील्ड तो ऑलरेडी डिसाइडेड है। जोकर फिफ्थ रहता है, जब कोई किसी का कुछ इशू होता है कुछ तो जोकर आता है, बाकी टाइम बाकी 4 प्लेइंग 4 है। व्यूज ऑन ओएस, प्रो ओएस बेस्ट आइजल है, उसको पहले इतने अच्छे असोल्टर्स थे नहीं या टीम अच्छी नहीं थी, या बीच में गया था कच्ची टीम में तो वहाँ पे भी उतनी कॉल्स नहीं सुना जा रहा था, बट अभी उसको ऐसी टीम मिली है जो उसकी बात सुनती है, उसकी रिस्पेक्ट करते हैं, तो परफॉर्मेंस आ रहा है। BGS में भी हमसे ऊपर ही थे पॉइंट टेबल में, ग्राइंड में आ रहे हैं, एंड आई होप कि वो इस बार फाइनल भी जाएंगे और टॉप 3 आएंगे मोस्टली, बाकी कुछ भी हो सकता है। ओआर टेस्ट हो गया? नहीं ब्रो, ओआर टेस्ट नहीं भाई, मैं तुम्हें बता रहा हूँ, तुम लोग अंदाजा नहीं लगा सकते। यू गाइस कैन नॉट फकिंग इमेजिन विच टीम इज गोइंग टू विच ऑर्ग टीम डेस्ट्रो इज गोइंग टू, बट व्हाट आई एम टेलिंग यू इज दे आर कमिंग टू नवी मुंबई, दे आर कमिंग टू खारघर नवी मुंबई भाई, ये लोग यहाँ आ रहे हैं, दैट्स इट, दैट्स द ओनली थिंग आई कैन टेल यू। लेफ्ट वाला नहीं दिलवाटा, ठीक है ब्लैक, ये लास्ट भाई, मेरे 3 असिस्ट है, 0 किलर। ओवर टीम मेगा सर्स बट बैन ड्यू टू पास यूजिंग एक्शन करंट टूर्नामेंट। ब्रो पास्ट में क्या हुआ, मैंने हमेशा यही बोला कि जब तक क्राफ्टर नहीं बोलती है मैं या कोई भी कास्टर कुछ उस पर कॉमेंट नहीं किया, ठीक है, मैं मानता हूँ सारे कास्टर्स मानते हैं, वी ऑल बिलीव दैट इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी, ठीक है, पहले क्या हुआ क्या नहीं हुआ आई एम नॉट गोइंग टू टॉक अबाउट दैट। BGIS के मैचेस में उस पूरे दिन में कुछ ना कुछ सस्पिशियस किया, फोन में, डिवाइस में, गेम के अंदर, पूरे 24 घंटे के समय में दे डिड सम शिट एंड दे गॉट कॉट, दैट्स इट, बस मैं इतना ही बोलूंगा। आई डोंट वॉन्ट टू डिस्कस, गॉड ब्लेस द लैड्स, मेरी कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं है किसी से भी, आई एम नॉट टेकिंग एनी नेम्स, बट आई एम सिंपली कोटिंग यू द फैक्ट्स बिकॉज एवरी थिंग कैन नॉट बी टोल्ड आउटसाइड। क्राफ्टन का POV भी है हर चीज, अबे क्राफ्टन यार उठाई गिरे थोड़ी है यार, नुक्कड़ की दुकान थोड़ी है कि यार तूने मेरे को उधार कैसे नहीं दिया, और वो बताएगा कि तूने पिछले महीने ये उधार में तूने खाते में गड़बड़ किया था, तूने पैसे नहीं दिए थे, अबे ब्रो इट्स क्राफ्टन भाई। और जो तुम लोग को बहुत सारा जो लोग बात कर रहा था, आई एम प्रिटी श्योर अनिमेश बाबू ने आके तुम लोग को सुना दिया, अनिमेश बाबू ने आके आप लोग को ठगने बोली दिया होगा सब कुछ। आई स्टैंड बाय हिज वर्ड्स, जो भी उसने बोला है, मैंने उसका रिप्लाई नहीं देखा टू बी ऑनेस्ट, बट आई एम जस्ट सेइंग आई जस्ट ट्रस्ट हिम, ऐसे तरीके से।